ससुराल का बजट। नीता और सुनीता देवरानी जिठानी थी। नीता जो कि जिठानी थी उसके दो बच्चे थे और सुनीता की एक बेटी थी। नीता का पति नीलेश एक दुकान चलाता था और सुनीता का पति सुमेश एक कंपनी में काम किया करता था। सास ससुर देवरानी जिठानी पति और बच्चों सहित ये एक बड़ा लेकिन सुखी परिवार था। लेकिन कहते हैं ना भैया, सुखी परिवार के सुखों को नज़र बहुत जल्दी लग जाया करती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इस बड़े परिवार के पड़ोस में एक छोटा परिवार रहने आ गया और फिर इनके परिवार को पड़ोस की गाड़ी की नज़र लगी। क्या हुआ, नहीं समझे? ताई अभी आपको समझाते हैं। अरे बहन जी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हैं आप? सूरज बिल्कुल सर पर चमक रहा है, बीमार हो जाएंगी। अरे वो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है ना, उन्हें ही लेने जा रही हूँ। अच्छा, लगता है आप रिक्शा से लेकर आती है बच्चों को। ना बाबा ना, मैं तो इतनी धूप में बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो बच्चों की छुट्टी होने के 5 मिनट पहले निकलती हूँ और 15 मिनट में गाड़ी से उन्हें लेकर आ भी जाती हूँ। रिक्शा से कम आधा घंटा लग जाता होगा ना आने जाने में। आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है ना। अरे तो कहो ना भाई साहब से कि गाड़ी खरीद ले। आजकल ऐसा कौन है जिसके पास गाड़ी ना हो? और देखो, गाड़ी ना आज के समय में ज़रूरत हो गई है। हाँ ठीक कहती हो। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो जाएगा अगले दिन। सुनते हो, अब बस बहुत हो गया। आखिर कब तक हम बस और रिक्शा में सफ़र करते रहेंगे? अरे एक दिन दोपहर के 2 बजे तपती धूप में रिक्शा में बैठकर तो देखिए, रिक्शा में बैठकर कैसा लगता है आपको पता चल जाएगा। आपका क्या है, सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाओ और दिन भर एसी की ठंडी हवा खाओ। हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें भी रिक्शा में बैठने में बहुत शर्म आती है। आप ले लो ना एक गाड़ी। हाँ, गाड़ी तो 20 रुपए किलो सब्जी मंडी में बिक रही है ना, 2-4 किलो खरीद कर तुम लोगों को दे दूंगा। बेटा गाड़ी पड़ोसियों की टशन नहीं, अपना बजट देखकर खरीदी जाती है। 8-10 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं, जिसके पास हो वो खरीद ले। अरे ठीक ही तो कह रही है भाभी, सारी दुनिया ऊपर उठ रही है और एक हम हैं, 10 साल से जस के तस बने हुए हैं। थक गई हूँ मैं भी मिसेस वर्मा के ताने सुन सुन कर। किटी में जाऊँ तो एक बात के बीच में वो 10 बार गाड़ी का नाम लेती है। मुझे क्या समझ में नहीं आता, आखिर वो गाड़ी गाड़ी कहकर किससे सुनाती है? हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, बस मेरी कमजोर नस मिल गई है उनको, उसे दबा दबा कर मेरे दर्द का पूरा मजा उठाती है वो। अब बहुत हो गया, मैंने भी सोच लिया है, अब चाहे जो हो गाड़ी तो हम लेकर रहेंगे। आई बड़ी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अकाउंट में 8-10 लाख यूं ही पड़े हुए हैं। सिर्फ हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर गाड़ी खरीदनी है तो सबसे पहले अपने पास पैसे होने चाहिए। पैसा है किसी के पास? नहीं ना, तो बस बात खत्म। क्या पापा, सारी दुनिया लोन लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे क्या? आप भी लोन ले लो ना, मेरा फ्रेंड है ना जीतू, उसके पापा ने भी लोन लेकर कार खरीदी, अब वो रोज कार से स्कूल आता है और मुझे ठेंगा दिखा कर जाता है। बेटा लोन सिर्फ लेने के लिए नहीं होता, उसको चुकाना भी पड़ता है। लोन की EMI कैसे चुकाएंगे, कोई बताएगा क्या? देखो आप इस तरह सोचेंगे ना तो हम कभी जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अरे आप एक बार लोन निकालिए तो सही, EMI भी अपने आप चुकता हो ही जाएगी। अरे महारानी, तुम्हारे कहने से ये EMI चुकता नहीं होती। EMI अगर समय पर ना भरो तो बैंक डिफॉल्टर करार दे देती है, जीवन भर के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे हम लोग। तुम लोगों को कुछ समझ में भी आता है कि बस घर में बैठ कर हाय गाड़ी चिल्ला रही हो? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपना महीने का बजट थोड़ा सा कट कर दे जिससे EMI के पैसे निकल आए। अच्छा, और बजट कट कैसे करोगी तुम? बजट तो अपने हाथ में होता है ना सुमेश। अरे मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी की ताकत को तुम कम मत समझना। तुम्हारी जैसी गृहिणियों की ताकत के कारण ना बहुत सारे लोग बैंक से कर्जा उठा लेते हैं। पहले तुम 6 महीना बजट कट करके दिखाओ, EMI के पैसे अपने बैंक में जमा करके दिखाओ। अगर 6 महीने तुम्हारे बैंक में EMI के पैसे मुझे मिल गए ना, तो 7वें महीने गाड़ी मैं खरीद कर दूंगा तुम्हें। सोच लो, अगर अपनी बात से फिर गए तो? अरे बाबा, तुम EMI के पैसे बचा कर तो दिखाओ, मुझे गाड़ी खरीदने में कोई समस्या नहीं है। क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कहा? अरे नहीं, अगर ये लोग गाड़ी की EMI का पैसा घर खर्च से निकाल सकती हैं
तो हमें गाड़ी खरीदने में भला क्या दिक्कत होगी। मैं भी खुशी खुशी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा बर्डन लेने की मुझ में ताकत नहीं है। अरे भाभी बोलिए ना, हम दोनों मिलकर चाहे तो महीने का बजट आराम से कट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनीता, हम दोनों बजट में से ही पैसा बचा कर EMI का इंतजाम कर लेंगे। आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सबके सामने हमने कह तो दिया कि हम बजट कट कर देंगे, लेकिन बजट में कट क्या करेंगे? सबको भरपेट खाना देने का इरादा नहीं है क्या? अरे दीदी आप बस देखते जाओ, मैंने सारा प्लान सोच लिया है। देखिए हमारे घर में रोजाना 4 लीटर दूध आता है, आज से बस 2 लीटर दूध ही आएगा, उसमें 2 लीटर पानी मिला लेंगे हम। अब इस 4 लीटर दूध से आराम से सारा काम हो जाएगा। क्या पानी मिला दूध? अरे बच्चे भी दूध पीते हैं, फिर ऐसे कैसे? अरे भाभी बिन पानी का दूध पीकर कौन सा हमारे बच्चों की सेहत बनी हुई है, पहले से सूखे पापड़ी तो दिखते हैं। हाँ रे बात तो तेरी ठीक ही है, वैसे भी 2 लीटर दूध की बचत ही हो जाएगी। हम लोग 3 बच्चों का मिलाकर हर महीने 6,000 ट्यूशन फीस भरते हैं, अगर हम बच्चों की ट्यूशन छुड़ा देना तो 6,000 की सीधी बचत हमारे हाथ में आ जाएगी। अरे लेकिन बच्चों का ट्यूशन छुड़ा दोगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? क्या भाभी, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते वो पढ़ाई नहीं करते क्या? इन 3 बच्चों को समझा दो कि अगर गाड़ी चाहिए ना तो खुद से पढ़ाई करना शुरू कर दे, वरना गाड़ी का सपना भूल जाए। बात तुम्हारी ठीक है, ट्यूशन लगा कर भी उनके नंबर में कोई खास अंतर तो आ नहीं रहा, छुड़वा देते इनका ट्यूशन, कुछ देर हम लोग ही देख लिया करेंगे और क्या। ट्यूशन के अलावा मैंने सोचा है कि इन 3 की ताइक्वांडो क्लासेस भी बंद करवा देते हैं। अरे महीने का 10,000 इनके ताइक्वांडो में खर्च हो जाता है, फिर भी पड़ोस वाले गुप्ता का लड़का कूट कर चला जाता है इन लोगों को, और ये आपस में ही ताइक्वांडो दिखाते रहते हैं। सही बात है, जो ताइक्वांडो मोहल्ले में रहने वाले उस छुटकी से लड़के से इनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे सीख कर भी क्या फायदा, छुड़वा ही देते हैं। ठीक है, ताइक्वांडो का खर्चा भी कम हो गया, और कोई खर्च हम कम कर सकते हैं क्या? भाभी दाल और सब्जी का खर्चा भी ना बड़े आराम से कम हो सकता है। अरे क्या जरूरत है इतनी गाढ़ी दाल बनाने की, अब से ना बिल्कुल पतली दाल बनेगी। इतनी महंगी सब्जियां हो रही है, सब्जियों का बजट भी कम कर दो, 250 ग्राम सब्जी और 1/2 किलो आलू डालो तो सब्जियों का बजट अपने आप कम हो जाएगा। अरे वाह सुनीता, तुमने तो बड़ी आसानी से 25,000 बचा लिए। मुझे लगता है इतने पैसों में तो गाड़ी की EMI निकल ही आएगी। लेकिन 1 महीना बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें 6 महीने तक ये पैसे बचा कर दिखाने होंगे, तभी ये दोनों भाई गाड़ी खरीदने के लिए तैयार होंगे। जैसा नीता और सुनीता ने तय किया था, अगले ही दिन से वो दोनों बजट में कटौती करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जल्दी करो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, हम ट्यूशन के लिए लेट हो जाएंगे। अरे कोई लेट नहीं हो रहा, तुम तीनों की ट्यूशन क्लासेस बंद करवा दी है हमने। लेकिन क्यों, ट्यूशन बंद कर दोगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? बेटा स्कूल में मैडम पढ़ाई कराती है ना, जो भी डाउट हो अपने स्कूल टीचर से पूछ लिया करो। गाड़ी में बैठना है ना मेरी राजकुमारी को? बैठना है मम्मी। हाँ तो बेटा आज से सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। गाड़ी में बैठने के लालच में तीनों बच्चे खुशी खुशी अपनी ट्यूशन और ताइक्वांडो क्लासेस का बलिदान दे देते हैं। बच्चे तो खुशी खुशी ट्यूशन और ताइक्वांडो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बच्चों को घर में बिठाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट होने वाले थे, उसके बारे में अभी तक नीता और सुनीता ने सोचा भी नहीं था। दोपहर के 3 बजे। अरे बहू तुम दोनों को पता है ना, मुझे रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती, दोपहर के समय जरा सी आंख बंद की थी, लेकिन तुम्हारी ये वानर से ना आंख बंद होने दे तब ना, शोर मचा मचा कर पूरा घर सर पर उठा रखा है तीनों ने। माँ जी बच्चे हैं, घर पर रहेंगे तो थोड़ा तो शोर शराबा करेंगे ही ना। तो आज ट्यूशन क्यों नहीं भेजा तुमने? आपको पता है माँ जी, गाड़ी खरीदने के लिए बजट में कटौती चल रही है, बस इसलिए हम दोनों ने इनके ट्यूशन क्लासेस बंद करवा दिए हैं। अब स्कूल से आने के बाद ये लोग पूरा समय घर पर ही रहने वाले हैं, अब छोटे बच्चों को कितनी देर कोई बांध कर रख सकता है, खेलने दीजिए ना। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बजट, पूरा दिन शोर मचाएंगे ये लोग, मुझसे इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा करो इन्हें बाहर खेलने के लिए भेज दो, कह दो घर में शोर ना मचाए। सास के कहने पर नीता और सुनीता तीनों बच्चों को घर से बबाहर खेलने के लिए भेज देती हैं। दोपहर के 3 से लेकर शाम के 6 बजे तक खेलने के बाद बच्चे घर आकर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। रात को 8 बजे।
खाना लग गया है माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो नजर ही नहीं आ रही, आलू ही आलू दिखाई दे रहे हैं बस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने और भाभी ने डिसाइड किया है कि हमें थोड़ा सा हाथ खींचकर महीने का बजट चलाना चाहिए। अब तो घर में यही नियम बन गया था। एक वक्त घर में रोजाना पानी जैसी दाल बनती और दूसरे वक्त बनती सब्जी कम आलू ज्यादा वाली तरकारी। घी ये कहकर बंद कर दिया था कि घी खाने से कौन से फायदे होते हैं भाई, बीमारियां ही बढ़ती हैं। कुल मिलाकर नीता और सुनीता हर वो जतन कर रही थी जिससे कि घर में चार पैसे बचाए जा सके। अरे माँ जी, ये चाय के समय आप कहाँ जा रही है? चाय बनकर तैयार है, चाय पीकर तो जाइए। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी ये पानी जैसी दूध की चाय, तू ही पी ले। मैं तो अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसी के यहाँ जाकर आधा कप चाय पी लूंगी। कम से कम ढंग की चाय तो नसीब होगी। मम्मी, आज कुछ बाहर से मंगवा लो ना, बहुत दिन से बाहर का कुछ नहीं खाया। अरे बेटा, हम यहाँ एक एक पैसे की बचत कर रहे हैं और तू सीधा 2-3 हजार एक साथ ठिकाने लगाने की बात कर रही है। गाड़ी में नहीं बैठना क्या? देख, जब गाड़ी आएगी ना तो हम सब उसमें बैठकर आराम से बाहर होटल में खाना खाने चलेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। नीता और सुनीता को बजट की डोर खींचे हुए लगभग 3 महीने होने को आए थे। पिछले 3 महीने से ट्यूशन बंद होने के बाद मुश्किल से ही उन्होंने कभी किताब खोलकर कुछ पढ़ा था। इसी बीच बच्चों की यूनिट टेस्ट पढ़ते हैं, जिनके खत्म होने के बाद स्कूल से पीटीएम का नोटिस आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अचानक से तीनों बच्चों को क्या हो गया है? उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ गई है। अरे ऐसा क्या हो गया है कि आजकल ये बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं? आप चिंता मत करिए मैम, आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गलती शायद हमारी है, हम बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन अब से ना हम बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे। अगले यूनिट टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव जरूर होगी। पीटीएम में हुई बातों के कारण नीता और सुनीता का मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। ठीक ही तो कहा था टीचर ने, पिछले 3 महीने से स्कूल से आने के बाद वो तीनों पूरा दिन सिर्फ खेल ही तो रहे थे। बड़ी मुश्किल से डांट डपटने के बाद वो कुछ देर के लिए किताब लेकर बैठते भी तो किसी तरह सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करते और फिर से या तो आपस में खेलने लगते या फिर झगड़ने। घर पहुँच कर, अरे माँ जी क्या हो गया आपको, ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? अरे बहू क्या बताऊं, आज तो मेरे जोड़ों में इतना दर्द है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। तो मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा, ऐसा लग रहा है कि ये हड्डियां चटक जाएगी जैसे। सास की बात सुनकर नीता और सुनीता भागते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अरे माता जी, ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपका यूरिक एसिड इतना ऊपर पहुंच गया? प्रोटीन वाली चीजों से आपको बहुत दूर रहना है, हरी सब्जियां और ताजे फल खाइए। डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो कुछ ज्यादा तला भुना बनता भी नहीं है, हमारे यहाँ तो नियम से दाल और सब्जियां ही बनती है। अरे तो दाल से ही तो इनको समस्या है, इन्हें दाल बिल्कुल मत दीजिए, उसकी जगह हरी पत्तेदार और ताजी सब्जियां खिलाइए। आलू चावल और मसालेदार भोजन से दूर रखिए। अरे डॉक्टर साहब, जो चीज आपने नहीं खाने को बताई है ना, पिछले 3 महीने से दिन रात वही खा रही हूँ, फल तो घर में आते ही नहीं। हमारे यहाँ सब्जियों में सब्जी तो सिर्फ नाम के लिए डलती है, बाकी सिर्फ आलू ही आलू होता है उसमें, और दूसरे वक्त के खाने में सिर्फ दाल और चावल होता है। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे पानी मिला दूध पी रहे हैं, आप ही बताइए क्या ये सब सही है? देखिए मैं नहीं जानता कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इस तरह का भोजन खा रहे हैं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि अगर दूध खरीदने में कोई समस्या है तो आप कम दूध पिलाएं, वो ठीक है, लेकिन पानी मिला दूध पिलाने की तो कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देगा। घर पहुंचने पर, क्या हुआ मम्मा, आप लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हारी दादी की तबीयत खराब थी ना बेटा, उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए थे। मम्मा मुझे भी तो 2 हफ्ते से खांसी जुकाम है, मुझे भी डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले गए, फिर दादी को क्यों लेकर गए? अरे बेटा, खांसी जुकाम तो तुम्हें रोज ही हो जाता है, कितने डॉक्टर को दिखाएंगे हैं? मैं तो तंग आ गई हूँ डॉक्टर की फीस भरते भरते। खांसी जुकाम ना अपने आप ठीक हो जाता है बेटा, चल मैं तुझे काढ़ा बनाकर पिलाती हूँ। नीता भाभी, सुनीता, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, कल मैं और भैया गाड़ी के लोन के लिए बात करने बैंक जाने वाले हैं। आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिखाया,
जितना पैसा हमने आपसे 6 महीने में जमा करने के लिए कहा था, आप दोनों ने तो 3 महीने में ही जमा करके दिखा दिया। भाई आप लोग तो गाड़ी डिजर्व करते हैं, मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। गाड़ी के लिए पैसा जमा करने के लिए इन दोनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। अरे अपने बच्चों की सेहत और पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करना हर औरत के बस का थोड़ी ना होता है। ये क्या कह रही है माँ जी आप? क्यों, क्या हुआ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? गाड़ी तो तुम जरूर खरीदो बेटा, लेकिन पहले ये भी जान लो कि ये गाड़ी तुम किस कीमत पर खरीद रहे हो। इस गाड़ी के बदले में तुम क्या दाव पर लगा रहे हो ये जानना तो बनता है ना। इस गाड़ी की किस्त के लिए पैसा जमा करने के लिए तुम्हारी पत्नियों ने बच्चों के ट्यूशन और ताइक्वांडो क्लास बंद करवा दी। ट्यूशन बंद हो जाने के कारण तीनों बच्चों के एग्जाम में इतने कम नंबर आए हैं कि फेल होते होते बचे हैं तुम्हारे बच्चे। पूरा दिन ये मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचाते हैं, जिसके कारण आस पड़ोस के लोग भी अब शिकायत लेकर घर आने लगे हैं। बच्चों को जो दूध पीने के लिए दे रहे हैं ना, उसमें आधा पानी होता है। घर में ना ढंग की चाय मिल रही है ना खाना। दाल खा खा कर मेरा यूरिक एसिड इतना बढ़ गया कि दर्द से मेरी जान निकल रही है। बच्चों को हर 5 से 7 दिन में खांसी जुकाम और बुखार हो जाता है। तुम लोगों ने कभी सोचा क्यों हो रहा है ऐसा? अरे बेटा जब ढंग से खाना पीना नहीं मिलेगा तो इनकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर होगी ही ना। तुम्हारे बच्चे अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। पैसे बचाने के लिए ना तुम उनके लिए फल लाते हो, ना कोई हरी सब्जी उन्हें खाने दे रहे हो। दाल में भी पानी मिला रखा है और दूध भी पानी वाला। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने बच्चों की सेहत के साथ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दुनिया को दिखाने के लिए एक गाड़ी अपने दरवाजे पर लाकर खड़ी करनी है? अरे क्या गाड़ी में बैठकर दुनिया को अपनी रईसी दिखाना इतना ज़रूरी है कि तुम बूढ़ी माँ तो छोड़ो अपने बच्चों की सेहत से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए? अब ठीक कहती है माँ जी, अंधी हो गई थी मैं गाड़ी की लालच में। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी जिसके लिए मेरे बच्चों को खाने में आधा पानी डाल कर खिलाना पड़े। ठीक कहा भाभी आपने, मुझे भी नहीं चाहिए गाड़ी। हमारे बच्चों का जीवन और इस घर की खुशियाँ गाड़ी से बहुत ज्यादा जरूरी है। नीता और सुनीता को अब अकल आ गई थी और इस तरह एक बार फिर मिडिल क्लास फैमिली की गाड़ी में बैठने की अरमान आंसुओं में ही बह गए।